राजस्थान में कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 154 नए कोरोना पॉजिटिव राजस्थान में सामने आए। धौलपुर में 59, जयपुर में 31, झुंझुनू की अगर बात करें तो 22, अलवर में 12, सीकर में 9, भीलवाड़ा और डूंगरपुर में 5-5 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। राजसमंद में 3, झालावाड़, नागौर और उदयपुर की अगर हम बात कर लें तो 2-2 कोरोना पॉजिटिव यहां से सामने आए। चूरू में 1 और साथ ही अन्य राज्यों का भी 1 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिला। और राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो इसी के साथ 14,691 हो गई है। और आज प्रदेश में 4 मरीजों ने अपनी जान गंवाई कोरोना की चपेट में आकर। जयपुर में 2 मौतें हुई, भरतपुर और अजमेर में भी 1-1 मौत हुई। 341 लोग अब तक कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। इस बीच लगातार सूबे के मुख्यमंत्री जो है, चिकित्सा मंत्री जो है, लगातार हर चीज का फीडबैक लिया जा रहा है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, लेकिन इस जिस प्रकार से कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहें ऐसी भी हैं जहां से कुछ लापरवाहियां सामने आ रही हैं, क्योंकि सजग रहना इस दौरान बहुत जरूरी हो जाता है। आज की ही अगर बात कर लें तो कोरोना से 4 मरीजों ने आज दम तोड़ा है प्रदेश में। जयपुर की अगर बात करें तो 2, और अब तक अगर टोटल हम बात करें जो मौतों का आंकड़ा है वो 341 पहुंच चुका है। धौलपुर से हमारे संवाददाता मुनेश ढाकरे फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनेश, देखिए आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ोतरी दर्ज करता जा रहा है, क्या अपडेट फिलहाल मिल पा रही है? कहां कहां से, कौन कौन से गांव से या फिर ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं और किस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से लगातार जारी हैं? जी मनीषा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि धौलपुर जिले में जो कोरोना मरीजों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये आंकड़ा बढ़कर के 349 पर पहुंच गया है। आज भी 59 नए केस आने से जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और इसको लेकर ये विभिन्न देखिए ग्रामीण इलाकों से भी है जिसमें जो कोरोना पॉजिटिव है और शहरी इलाकों से भी है। बिल्कुल, लेकिन ये एक दूसरे के जितने भी संपर्क में आने से ये कोरोना का जो आंकड़ा है, ग्राफ है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर प्रशासन की बात की जाए तो ये पूरी तरह से मुस्तैद है। और जी मुनेश, देखिए प्रशासन हर जगह नहीं पहुंच सकता है, तो जो अहम जिम्मेदारी है वो तो जनता की है, क्योंकि प्रशासन हर जगह जाके नहीं समझा सकता है। हालांकि मुस्तैद लगातार है और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी लगातार निभा रहा है, लेकिन लोगों की तरफ से क्या देखने को मिल रहा है? देखिए अब तो बहुत समय हो गया तो लोग बहुत जागरूक अब तक तो हो गए होंगे, हर चीज का ख्याल रख रहे होंगे। जी बिल्कुल मनीषा, अगर लोगों की बात की जाए तो पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन ज्यादातर लोग कर रहे हैं, वहीं घरों से जो बाहर निकल रहे हैं वो मास्क लगा करके निकल रहे हैं। एक तो इक्का दुक्का जो जो जगह देखने को मिलती है उसको छोड़ करके बाकी जनता जागरूक ज्यादातर दिखाई दे रही है। बिल्कुल मुनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो धौलपुर से हमारे संवाददाता मुनेश ढाकरे साथ जुड़े हुए थे, अपडेट दे रहे थे तमाम कि किस प्रकार के इंतजाम वहां पर हैं और लगातार जिस प्रकार से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, काफी समय हो गया है, अब लोग जागरूक होते नजर आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की भी लगातार पालना वो कर रहे हैं। अलवर से फिलहाल हमारे संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या अपडेट है? देखिए लगातार आंकड़ों की बढ़ोतरी दर्ज हो रही है, किस प्रकार से लोगों का रवैया जो है वो देखने को मिल रहा है, जागरूकता देखने को मिल रही है या फिर नहीं? कोरोना संक्रमण का जो मरीजों का दौर है वो लगातार अलवर में बढ़ता जा रहा है। आज की जो ताजा रिपोर्ट है उसमें भी 12 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, लेकिन बताना चाहूंगा कि जिस तरह का कोरोना वायरल बढ़ रहा है उसके साथ साथ जागरूकता का दौर भी लोगों में बढ़ रहा है। बिल्कुल, जिसके कारण जो स्थिति एकदम होती, कभी 40 कभी प्रतिदिन निकल रहे थे कोरोना संक्रमित, वो कम हो रहे हैं। मनीषा, चंद्रशेखर कितने लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं? कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब कुल अलवर में 352 थी और जो बताया जा रहा है चिकित्सकों की ओर से अभी केवल अलवर के 2 लोगों की अभी मौत हुई है, जबकि अधिकतर लोगों को छुट्टी दी जा रही है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अलवर से भी आपको अपडेट दी कि 2 लोगों की मौत अभी तक वहां पर हुई है और रिकवरी रेट है वो भी क्योंकि अधिक है तो लोग ज्यादा जल्दी ठीक भी हो रहे हैं।
झुंझुनू से हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। सुजीत, देखिए आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रशासन तो इस बीच मुस्तैद है ही, लेकिन रिकवरी रेट की अगर बात करें और साथ ही एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो वो डिटेल्स आप दर्शकों को पहले दे दें। झुंझुनू के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव का सिलसिला है वो लगातार जारी है। झुंझुनू के अंदर कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो आज एक बड़ा धमाका झुंझुनू के अंदर हुआ है। जी बिल्कुल, अब तक सबसे बड़े कोरोना धमाका झुंझुनू में हुआ, जिसमें कुल अभी तक 22 केस है वो एक साथ आज झुंझुनू के अंदर मिले। जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो झुंझुनू के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव है वो 300 के पार हो चुका है। अब टोटल अभी तक 308 है जो कोरोना पॉजिटिव केस है वो झुंझुनू के अंदर हो चुके हैं। जी मनीष सर, बिल्कुल। सुजीत, किस प्रकार से लोग जागरूक है, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें हम ऐसे भी देख पा रहे हैं जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करते, मास्क नहीं लगाते, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अमूमन ये ज्यादा देखने को मिलता है। जी मनीषा, बिल्कुल ऐसा भी बहुत, ऐसे भी बहुत वाक्य हमारे सामने आते हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होती, बिना मास्क के जो दुकानों में भीड़ इकट्ठी रहती है, उनके चलान भी कटती है, लेकिन फिर भी लोग बात समझ नहीं पाते। और झुंझुनू के अंदर जो रिकवरी की बात की जाए तो रिकवरी भी झुंझुनू के अंदर बहुत अच्छी हो रही है। 250 से ऊपर जो केस है वो अभी तक झुंझुनू के अंदर रिकवर हो चुके हैं। जी बिल्कुल सुजीत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, प्रदेश में जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण जो है वो फैलता जा रहा है, आंकड़े जो है वो दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, और इस बीच काफी सारी तस्वीरें हम सभी के सामने ये भी आ रही है कि लोग जागरूक नहीं है, और ये यहाँ पर सबसे बड़ी लापरवाही, सबसे बड़ी कमी यहीं पर रह जाती है, क्योंकि प्रशासन तो लगातार मुस्तैद है ही, चिकित्सा विभाग भी लगातार इलाज कर रहा है, तमाम जो तरह की व्यवस्थाएं हैं वो भी की जा रही हैं, लेकिन इस प्रकार से जिस प्रकार से लापरवाहियों का आलम जो है वो लगातार सामने आ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण कोरोना संक्रमण के फैलने का। मौतों का जो आंकड़ा है वो 341 पहुंच चुका है। आज 4 मौतें प्रदेश में हुई, 14,691 के पार कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो प्रदेश में हो चुकी है। सीकर से हमारे संवाददाता राकेश गुर्जर फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, का अपडेट मिल पा रही है? देखिए आंकड़ा जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, कितने एक्टिव केसेस हैं, कितने लोग रिकवर हो चुके हैं? देखिए लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, राजस्थान में भी लगातार बढ़ता है। 399 जो नए रोगी मिले हैं और लगातार जो आंकड़े हैं लगातार टूट रहे हैं। प्रदेश में 4 लोगों ने यहाँ पर दम तोड़ दिया। भरतपुर की अगर बात कर ले वहां पर भी 2 लोगों ने दम, ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश में 399 जो नए रोगी है वो मिले हैं और 100। राकेश, राकेश सीकर के बारे में अपडेट दें, क्या हालात वहाँ पर है, कितने एक्टिव केसेस फिलहाल है? देखिए सीकर की बात कर ले तो यहाँ पर 4 रोगी मिले हैं। कल की अगर बात कर ले तो आज का जो आंकड़ा है भी लगातार सामने आ रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार वो बढ़ रहा है अभी, क्योंकि पिछले दिनों कुछ ज्यादा संख्या बढ़ी थी, लेकिन अब लगातार 2 से 3 दिनों में जो आंकड़ा है बिल्कुल यहाँ पर कम जरूर हुआ है, क्योंकि जो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कोरोना मरीज है वो प्रवासी है, जो कि अलग मुंबई से, दिल्ली से, सूरत से जो आने वाले जो मरीज थे वो थे, लेकिन अब ऐसे नहीं है, लेकिन हालांकि कुछ अभी यहाँ पर गिरावट की गई है। जी बिल्कुल राकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए गिरावट भी लगातार दर्ज हो रही है, क्योंकि रिकवरी रेट प्रदेश में अच्छी है और इस वजह से जो है ज्यादा संक्रमण यहाँ पर फैलने का जो खतरा है वो थोड़ा कम दिखाई देता है, लेकिन इस बीच आंकड़ों की बढ़ोतरी अगर हम बात करें तो लगातार बढ़ती जा रही है। सजगता बहुत जरूरी हो जाती है, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां से लापरवाही का जो आलम है वो इस कदर देखने को मिल रहा है कि लोग बिल्कुल जागरूक नहीं हैं, उन्हें बिल्कुल भय नहीं है कि कोरोना आखिर है क्या। सरकार ने छूट तो दे दी, लेकिन लोग ये भी समझ रहे हैं कि कोरोना से भी उन्हें छूट मिल गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोरोना अभी भी है और इससे बचना खुद को होगा, खुद का ध्यान रखना होगा और अपनों का भी ख्याल साथ में रखना होगा, तभी हम इस महामारी से बच पाएंगे। इसका जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार प्रशासन तो अपनी जिम्मेदारी निभा ही रहा है, लेकिन जो नैतिक जिम्मेदारी हम सभी की बनती है वो ये है कि अपना भी ख्याल रखना है और साथ ही घर वालों के साथ साथ बाहर के जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखना है, खुद को जागरूक होना है, तभी हम प्रशासन की भी मदद कर पाएंगे और अपनी खुद की भी मदद कर पाएंगे।
लगातार प्रदेश में कोरोना का जो संक्रमण है वो फैलता जा रहा है। 14,691 के पार ये संख्या और 341 लोग अब तक दम तोड़ चुके हैं कोरोना की चपेट में आकर। अजमेर से फिलहाल हमारे संवाददाता नितिन मेहरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, लगातार जो आंकड़ों की बढ़ोतरी है वो हम बिल्कुल देख पा रहे हैं, कितने एक्टिव केसेस फिलहाल हैं? निश्चित तौर पर बता सकते हैं, अजमेर में बेहतर जो मामला है, जिसकी मौत हुई उसमें तो एक मामला और सामने आया जिसकी डेथ हुई थी जी, उसके बाद में कल 4 मरीज सामने आए जी, और लगातार जहाँ जहाँ क्षेत्र में जीरो मेंटेन की जा रही है जी। उसके अलावा जो भी जैसे आगे से वैसे आगे सैंपल किए जा रहे हैं जी। कितने लोग रिकवर हो चुके हैं नितिन? अजमेर जी रिकवरी रेट राजस्थान से अच्छी है, राजस्थान में काफी संख्या में रिकवर रेट काफी अच्छी है, एक्टिव रेट मिनिमम 85 या 55 के अंदर है जी। नितिन, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, प्रदेश में कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार फैलता जा रहा है, कमी यहां पर कहीं दिखाई दे नहीं रही है, और इस बीच मौतों का जो आंकड़ा है वो 341 पहुंच चुका है। प्रत्यक्ष हम देख पा रहे हैं सामने, सबक लेना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाहियों की वजह से कोरोना का संक्रमण फैला है, क्योंकि प्रशासन लगातार जिम्मेदारी अपनी निभा रहा है, लगातार मुस्तैद है। चिकित्सा विभाग की अगर बात करें तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि इस प्रकार से कंट्रोल इस सिचुएशन को किया जाए। खुद सूबे के मुख्यमंत्री भी लगातार फीडबैक ले रहे हैं तमाम अधिकारियों से। कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 14,691 के पार हो चुकी है और 341 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना की चपेट में आकर। इस बीच ख्याल रखने वाली बात यह है कि बहुत ज्यादा घर में रहें, जरूरत हो तो ही बाहर निकलें। कोटा से हमारे संवाददाता, माफ कीजिएगा, भरतपुर से राजेंद्र जति फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, बताएं क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, लगातार जो आंकड़ों की बढ़ोतरी है वो हम सामने देख पा रहे हैं, तो किस प्रकार के हालात फिलहाल हैं, कितने लोग ठीक हो चुके हैं? जी मनीष, मैं बताना चाहूंगा कि भरतपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है जी। कल भी जो कोरोना के केसेज आए थे, 71 केसेज आए थे, जो राजस्थान में सर्वाधिक केसेज थे, सब में टॉप भरतपुर रहा था केसेज के मामले में जी। और डेली हालात ऐसे ही हो रहे हैं, आज भी अभी जो सुबह आए हैं 15 केसेज उसमें आए हैं, और 15 पॉजिटिव केस आने के साथ ही कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 1331 हो चुकी है जी। और जिनमें भरतपुर शहर के 10 केसेज हैं, और बाकी के जो कामा से 2, नगर से 1, सेबर जेल का 1 कर्मचारी भी है, रूपबास का 1 है, लक्ष्मण मंदिर शहर के 4 हैं, सहित विभिन्न शहर के केसेज इसमें शामिल हैं। भरतपुर शहर में और जिले में कोरोना पॉजिटिव की स्थिति डेली नाजुक हो रही है और चिंताजनक बन रही है, और डेली केसेज लगातार बढ़ ही रहे हैं, मतलब जो राजस्थान में। बिल्कुल राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अपडेट हर जगह से, हर जिले से आपको लगातार हम दे रहे हैं। रिकवरी रेट अच्छी है, थोड़ी राहत की बात, लेकिन इस बीच मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ते हुए। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।